प्यार से इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे महान पुरुष हैं, जिन्होंने जो साहित्य लिखा है, सतगुरु कबीर साहब ने जो साहित्य लिखा है, ज्योतिराव फूले ने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, उसको भारत सरकार विद्यालयों में शामिल करे। कबीर साहब ने जो लिखा है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किताबें लिखी है उन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करे। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि अयोध्या किसी राम की नहीं है, अयोध्या भगवान बुद्ध की है और वहाँ पर बौद्ध स्थल बनाया जाए। वहाँ पर हमारे भगवान बुद्ध के जितने भी और जो भी हमारी वहाँ पर खुदाई में प्रतिमाएं निकली हैं वहाँ पर रखी जाए। भारतीय संविधान पूरी तरह से बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित लिखा है। भारतीय संविधान ही हमारा राज धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। हम भारत की शान हमारा भारतीय संविधान है और हम सबका, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धि हमारे पास है, इसलिए हम अपने आप को बौद्ध समाज का कहते हैं, क्योंकि इंसान के पास ही बुद्धि होती है, इसलिए हम बुद्धिमानों का मानवतावादी धर्म जो है भगवान बुद्ध की शिक्षाएं उनका पालन करते हैं। धर्म न हिंदू जैन है, मेरी लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम संप्रदाय को धर्म बोलते हैं, संप्रदाय में और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म न हिंदू जैन है, धर्म न मुस्लिम बौद्ध, धर्म तो मन की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। संप्रदाय और धर्म में अंतर है मेरे भाइयों। हम बौद्ध समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज का धर्म मानवता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें केवल मानवता सिखाई। हमें बौद्ध धर्म नहीं, मानव धर्म हमारा है, बौद्ध समाज हमारा है। बुद्ध धम्म और संघ को मैं वंदन करती हूँ। बुद्ध का मतलब मैं थोड़ी सी देर में और बता देना चाहती हूँ। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्धम शरणं गच्छामि, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, हम धम्म की शरण में जाते हैं, हम संघ की शरण में जाते हैं। और आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो हम अपने बुद्धिस्ट लोग के लिए अलग से हम कानून बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और भिक्षु संघ की तरफ से जो महाबोधि मंदिर है वो आज ब्राह्मणों के कब्जों में है, उसे हटाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ब्राह्मणों ने हमारे बौद्धों के मंदिरों पे कब्जा क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो लोग विश्व के सामने बौद्ध हैं और हम लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, हम बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास बौद्ध होने का प्रमाण पत्र नहीं है और नहीं हमें सरकार आसानी से ये प्रमाण पत्र जारी करती है। तो 2021 की जो गणना होगी उसमें आप अपने आप को बौद्ध लिखें और बौद्ध दिखें। एक बात और कहना चाहती हूँ कि सरकार जब प्रवेश दिलाती है विद्यालय के अंदर, उस समय प्रवेश फॉर्म पर उस बच्चे का धर्म पूछा जाता है। बच्चे का धर्म क्यों पूछते हो भाई? बच्चे का समाज पूछो या संप्रदाय पूछो, तो मजबूरी में SC ST OBC के लोगों को हिंदू लिखना पड़ता है, वो बहुत ही गलत है। आप सबसे निवेदन करूंगी कि उस कॉलम को हटवा दो। प्रवेश के समय बच्चा मजबूरी में, मेरे पिताजी ने खुद ने मजबूरी में हिंदू लिखा, जबकि मैं हिंदू नहीं हूँ। मेरा संबंध मेरे बाबा साहब से है, मेरे तथागत गौतम बुद्ध से है, मेरे बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष हैं उनके खून से मेरा रिश्ता है। मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं बुद्धा की बेटी हूँ, मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इस देश की मालकिन हूँ, यह जमीन हमारी है। जय भारत! एक साथ बोलिएगा, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। हम
जातिवाद में नहीं बटे, हम इंसान हैं और हम बोध है। केवल बोध वही होगा जिसे ज्ञान होगा और जिसके पास बुद्धि है। बाकी वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बोध के पास बुद्धि है, वो इंसान है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हमें केवल मानवता सिखाई थी, मानव धर्म सिखाया था, कोई और नहीं।